नमस्कार आदाब जोहार, मैं हूं एमके अखमल और आप देख रहे हूं कार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पलामू ज़िले के पांकी विधानसभा में और पांकी विधानसभा का ये सगालिम एरिया है। और जैसा कि आप हमारे पीछे ही आप देख सकते हैं, यहां पर एक स्टेज जो गिरा हुआ आप देख रहे हैं, यहां पर आज प्रोग्राम था, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी का यहाँ पर प्रोग्राम था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये स्टेज जो है वो चलते प्रोग्राम के दौरान जो है ये स्टेज जो है वो गिर गया। हालाँकि स्टेज के गिरने के बाद कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, किसी को चोटें नहीं आई है, लेकिन जो है वो स्टेज जो है वो चलते प्रोग्राम में गिर गया है। आइए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे कि क्या था उस समय का माहौल जिस समय ये स्टेज गिरा और क्या हो रहा था और क्यों गिरा था। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम विकास कुमार पासवान हुआ। विकास जी आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं आपका SGRS अकेडमी में पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, यही कर रहा हूँ। जिस समय माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए थे आप कहाँ थे उस समय? मैं यहीं पे मौजूद थे सर। वो स्टेज पर भी चढ़े, उस समय भी आप उनको देखे? हाँ, पूरी घटना को हमने क्या, देखा। क्या हुआ था आखिर, अपने आप अपने आँखों से आपने देखा? हाँ, अपने हमने देखा, हाल हमारे दर्शकों को बताया। सब चीज हम देखे सर। क्या हुआ कि सब चीज आपको आए, सत्यनारायण भोक्ता जी आए, 10 मिनट आपका भाषण भी चला। उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी आए थे गेस्ट लोग सबको पंडाल पे स्टेज पे चढ़ने लगे, और ज़्यादा संख्या होने के कारण और आपका मिट्टी का नमी के होने के कारण धीरे धीरे आपका आस्ते आस्ते आपका गिर गया आपका पंडाल, और किसी को क्षति नहीं पहुंचा, लेकिन सब कोई डर गए उससे। गिरने के बाद डर गए। उसके बाद सबको धीरे धीरे पंडाल से बाहर निकाला गया स्टेज से। उसके बाद कम से कम आधा घंटा तक सत्यनारायण भोक्ता मंत्री जी का कार्यक्रम चला और सबको अच्छा से बधाई दी गई और आपका सर्टिफिकेट भी दिया गया, प्लेसमेंट भी किया गया। मतलब ये स्टेज गिरने के बावजूद, जब स्टेज गिर गया उसके बावजूद भी आधे घंटे तक माननीय मंत्री जी का प्रोग्राम चला। जी जी हाँ जी, मतलब स्टेज बीच में बाधा नहीं आई। आप इस समय यहाँ पे मौजूद थे जो सारी चीज़ें हो रही थी? जी हाँ सर, मैं मौजूद था। अच्छा, मौजूद थे। उसके बाद इस स्टेज को लेकर के माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, किसे दोष दिया या क्या कहा उन्होंने अपने लफ्जों में? वो तो बोले कि आसमानी सुल्तानी कोई जानता नहीं है, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है स्टेज गिरना। यही बोले मंत्री जी, उनको कोई इस बात का कोई तकलीफ नहीं है, कोई ठोस तकलीफ नहीं है। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देते हूँ। इसके बारे में पंडाल गिरा, स्टेज गिरा, इसके बारे में किसी को आपका कुछ डांटे भी नहीं, बोले भी नहीं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ मंत्री जी का। तो आप समझ सकते हैं इस बात को लेकर के कि कोई अतिथि का स्टेज गिर जाता है उसके बावजूद भी हैं वो अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। हम कुछ लोगों से और हम लोग बातें करेंगे। यहाँ पर जो स्टाफ जो यहाँ पर मौजूद थे, जो टेंट वाले लोग हैं, तो आप जब ये घटना हुआ, जब ये स्टेज गिरा, तो आप उस समय कहाँ पर थे? हम यहीं पर थे। आप यहाँ पे मौजूद थे, आपके आंखों के सामने ये स्टेज गिरा है। जी हाँ। उस वक्त कौन कौन लोग मौजूद थे? पूरा स्टेज जो है वो भरा हुआ था, क्या हुआ, क्या था? स्टेज से पूरा फुल था, स्टेज पूरा फुल था। मतलब क्षमता से ज्यादा लोग उस पर चढ़ गए थे? जी हाँ। इसके वजह से टूटा? जी। टूटने के साथ क्या घटना, मतलब कितने लोगों को चोटें वगैरह आई, क्या था, क्या हुआ? लगभग किसी को चोट नहीं आई है, बस आराम से स्लो मोशन में आकर के बैठ गया। अच्छा, धीरे धीरे आके गिर गया। धीरे धीरे आकर के बैठ गया। मंत्री जी को चोट वगैरह या किसी तरह का कुछ? हल्का, किसी को नहीं, कुछ नहीं। किसी को कुछ चोटें नहीं आई है? नहीं। क्या कारण रहा इसका गिरने का? एक तो आप कह रहे हैं कि भारी वजन से, लेकिन और भी क्या कारण हो सकता है इसका? जमीन सलसलाने के वजह से ये गिर गया। तो ये आप लोग जब इतने बड़े झारखंड के मंत्री का प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने बड़े मंत्री आ रहे हैं, तो फिर ऐसी जगह पर करवाने की क्या आप लोग मशवरा नहीं दिए थे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे उनको कि इस जगह पर टेंट लगाना उचित नहीं है? पूरा मशवरा दिया गया था। मशवरा दिया गया था उनको कि यहाँ पर टेंट आप ना लगाएं? ना लगाएं। हाँ, तो फिर कैसे, क्या क्यों, क्या कहा गया आप लोग को कि यहाँ पे लगा दीजिए? जी हाँ, मेरे हम लोग को बोला गया यहाँ पे लगा दो, हमने लगा दिया। अच्छा, फिर गिर गया? जी। तो आप ये देख सकते हैं, ये चश्मदीद हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार। सुशील कुमार इनका नाम है, और इनके आंखों के सामने जो है ये स्टेज जिस वक्त भी आप देख रहे हैं कि जो गिरा हुआ, यही पोजीशन है बाबू, ये गिरा हुआ का पोजीशन है ना? जी हाँ, इसी तरह से गिरा है जी। ये इनके सामने जो है वो गिरा है, और ये इसी टेंट के स्टाफ हैं, और ये कह रहे हैं हालांकि कि किसी का कोई भी हताहत कोई नुकसान नहीं हुआ है,
लेकिन साथ साथ ये भी ये कह रहे हैं कि पहले ही जो है यहाँ जो ऑर्गेनाइज करवाए थे इस प्रोग्राम को, उनको इन्फॉर्म इनके तरफ से कर दिया गया था कि ये जो मिट्टी है अभी पूरी तरह से गीला है और यहाँ पर स्टेज बनाना उचित नहीं है, लेकिन जो है वो फिर भी यहाँ पर प्रोग्राम को करवाया जाता है और उसके बाद क्या होता है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूछते हैं कि क्यों हुई और कैसे हुई और इसमें क्या नुकसान हुआ है, आइए हम लोग जानते हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुधांशु कुमार तिवारी और मैं SGRS एकेडमिक प्राइवेट लिमिटेड का सेंटर मैनेजर हूं। यहां पे मिट्टी गीला होने के कारण प्रोग्राम स्टेज ऐसे गिरा मिट्टी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं स्टेज पे जरूरत से ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्टेज पर चढ़ गए थे, इतने बड़े मंत्री का प्रोग्राम तो प्रोटोकॉल तो होना चाहिए, लेकिन ये चूक कहाँ से हुई? चूक कहाँ से नहीं हुई, अब जो कार्यकर्ता हैं उनके वो तो जाएंगे ही ना ऊपर कार्यकर्ता स्टेज पर। स्टेज मजबूती से बनाया गया था, जो भी है क्या बोलते हैं बारिश हुई सुबह में, यहाँ पे बारिश हुई उसके बाद पूरा नीचे भींग गया जिसके वजह से दलदल नीचे बन गया उसके वजह से थोड़ा। लेकिन मंत्री जी यहाँ पे सब कुछ मतलब विभागीय कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ पे नहीं था। ठीक है तो अच्छा स्टेज गिरने के बावजूद भी लोगों से बात करके पता चला है कि स्टेज गिरने के बावजूद भी माननीय मंत्री जी जो हैं वो अपना प्रोग्राम आगे चालू रखते हैं, एकदम रखते हैं यहाँ पे। उधर देख के बात कैमरा अपने ठीक है, इधर ही बोल रहे हैं कि सब ऑफर लेटर वितरण हुआ, सर्टिफिकेट जितने कैंडिडेट्स हैं वो उनका भी वितरण हुआ, सब कुछ मंत्री जी हैं आके यहाँ पे समाज के बीच में खड़े रह के अपना जो भी है कार्यक्रम उनका जो था वो अपना आगे चलाएं। स्टेज गिरने को लेकर के उन्होंने किसी को कुछ कहा या नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, बोले कि होता है ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने लफ्जों में आप उनकी जवानी में आपने क्या सुना स्टेज गिरने को लेकर के, क्योंकि एक मंत्री के प्रोग्राम में इतना बड़े मंत्री आ रहे हैं स्टेज गिर जाना एक बहुत बड़ा बात है सर, तो इस बात को लेकर के उनके जबान से क्या निकला, आपने क्या सुना सर? कुछ नहीं बोले कि होता है ये सब, सिंपल से चीज। अच्छा ये बोल के फिर अपना प्रोग्राम आगे चालू कर बोले इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम में ये सब छोटी होते हैं। ठीक है और ये सब कैजुअली होता है, जहाँ मंत्री और विधायक का प्रोग्राम होता है वहाँ बहुत का हुआ है ऐसा। ठीक है तो इतना कोई बड़ा बात नहीं है जितना इशू हो रहा है। ठीक है सब कुछ है, मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से कार्यक्रम किए यहाँ पे बस। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।